नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और आप देख रहे हैं हमारा ये जो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन चैप्टर का, जिसके अंदर आप लोग लेक्चर 3 के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इससे पहले मैं बात करूं और चीज़ों की, तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया था। हमने आप लोगों को फ्रैक्शन बता दिया किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स आपको बता दिए हैं और हमने एक टाइप 1 भी कर दिया था। तो आज जो हमारा लेक्चर 3 है वो टाइप 2 के ऊपर डिपेंड करता है। उससे पहले जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक करके हमारे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं और पूरी आप प्ले लिस्ट के साथ चलेंगे तो आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन हाँ, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लास्ट तक एंड तक देखिए ताकि मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक भी इसके साथ बता सकूँ। और साथ में जो बच्चे हमारे 6th लेवल के हैं, 7th लेवल के हैं, 4th 5th लेवल के हैं, जिनका फ्रैक्शन बिल्कुल कमज़ोर है, ठीक है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन साथ में उनको नहीं पता कि किस तरीके से मैथ्स करनी है, ठीक है, जो हम बेसिक लेवल जो हमारे लिए सीरीज़ चल रही है, तो वो वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहिए क्योंकि पेपर में जब आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर फ्रैक्शन ज़रूर नाश मारता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too. टाइप 2 के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि भैया मिक्स फ्रैक्शन इंटू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आपको चेंज करना है। मतलब हमारे अभी तक पहले मैंने टाइप 1 कराया, टाइप 1 के अंदर आपको एक क्वेश्चन सिखाया, मैंने बोला उस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है जो हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन अगर आप देखें तो टाइप 2 के अंदर आप उसे पहला डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उम्मीद यह है कि आप लोग जो भी कर रहे होंगे ढंग से उसके नोट्स बना रहे होंगे ताकि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो कल के टाइम पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप कॉपी खोल के दोबारा से रिवीजन चेकआउट कर सकते हैं। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है मिक्स फ्रैक्शन को आपको इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। मतलब कि जो मिश्रित भिन्न आपको दिया रहेगा, देखिए मिक्स में आपको दिया रहेगा, आपको उसे नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। और मैं फिर से वो एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिस्ट पहले से बना के रखी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको L तक क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन जो है मैं करवाऊँगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग हर चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको खुद करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट जो कीजिए, 100% मेरा रिप्लाई आएगा। और उसके लिए अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन यह है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर कट है। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पर आता है हमारा पहला क्वेश्चन, यह कर दिया मैंने लाइन और ये बना दिया आपके लिए सॉल्यूशन लिस्ट, हिंदी वाले हल। तो हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया 4 3/2। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आप इस 4 को उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लगाइए ब्रैकेट, ये आपने लगाया 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया आप लोगों का डिविज़र, ठीक है, तो ये आ गया 2, ठीक है। और जो ऊपर वाला बचा था वो तो हमारा रिमाइंडर, तो ये आ गया 3 और इधर आ गया 2। उसके अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों का, फॉर्मूला बनेगा कि भैया ये यहाँ पे आप लोगों का क्या था क्यूटेंट, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का क्या था डिविज़र, तो ये आ गया QD और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर और D का D नीचे, अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो। लेकिन काम हमारा इससे हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीधा समझिए, आपको ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो ब्रैकेट में होनी चाहिए। अभी आपका सीखने का टाइम है तो ब्रैकेट में कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया है, प्लस लगा दिया, जो ऊपर का रिमाइंडर है, जो ऊपर का रिमाइंडर है उसको आपको जोड़ना है। नीचे वाला बिल्कुल सेम 2 था तो 2 ही आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में 13 है तो 13 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, नीचे वाले को आपको कोई छेड़ नहीं करनी, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 3/2 आप जोड़ेंगे 11/2 आंसर, ख़त्म, और कुछ नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 8 और 3 जोड़ दिया आपने 11, 11/2 और ये आ गया आप लोगों का जी आंसर। तो कोई टेंशन इसके अंदर है नहीं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप इसको उतार लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक कर लीजिए, ठीक है, फिर से देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के और क्वेश्चन है फ्लो में, तो पॉज करके आप उतारिए। इतना मैं इसको मिटा देता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। ए हमने कर लिया है, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं, बी वाला उसके जैसा क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर करेंगे, बस आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी आता है 2 1/8, ठीक है। तो मैंने बोला ये चीज़ मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो इसको हम फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे हमने लगाया ब्रैकेट, इधर लगाया 2, इधर लगाया 8, ठीक है, प्लस जो हमारा रिमाइंडर है ऊपर जो बचा था, तो ये ऊपर वाला आ गया इधर बगल में, ठीक है। और जो डिवीज़र है जो काट रहा था वो नीचे ही आएगा, वो बिल्कुल सेम डिटो ऐसे आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 प्लस 1/8, ये आ गया जी 17/8, ये हो गया जी आप लोगों का आंसर, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका भी नोट्स आप लोग उतार लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी बोलता है आप लोग को 5 6/7। फिर से मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का 5 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया जी ब्रैकेट, ठीक है, और प्लस, और रिमाइंडर आ गया इधर 6, ठीक है। और जो डिवीज़र है वो नीचे था, वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का निशान बिल्कुल ध्यान से रखिए, ना ऊपर ना नीचे। बच्चे स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं और ज़िंदगी भर गलती ही करते रहते हैं। तो ना इक्वल आपका यहाँ आएगा, ना इक्वल यहाँ पर आएगा, इक्वल के ठीक साइड में लाइन चलेगी, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे फ्रैक्शन वाली लाइन चलेगी, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आ गया 7 5 35 प्लस का 6/7, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। ये आ गया 41/7 और ये आया आप लोगों का आंसर, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की, साथ के साथ निपटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर डी आ गया 4 3/10, तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से साइड वाली मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस बोल रहा हूँ मैं से, तो साइड वाली मल्टीप्लाई समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, 10 लगाइए, 4 लगाइए, ठीक है, प्लस लगाइए और यहाँ पे 3 लगाइए, अपॉन में आ गया 10। मैं क्यों ब्रैकेट ले रहा हूँ इस बात को समझिए। बोर्ड मास का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, फिर आप उसे ओपन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब यह है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मल्टीप्लाई भी दे दे, डिवाइड भी दे दे, प्लस दे दे, माइनस दे दे, सब एक साथ दे दे, तो भैया उस कंडीशन में सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करके ओपन करना है। वो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, फिर उसके बाद इसे ओपन किया, फिर जोड़ा है। आप ऐसा ना करें कि बच्चे ने क्या करा, 7 और 6 13 ला दिया आंसर, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोर्ड मास का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप कहोगे तो मैं बोर्ड मास के लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो फिलहाल इधर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 4 हो गया, तो 10 4 हमारा हो गया 40, ठीक है, प्लस का 3/10, और ये आ गया जी 43/10, और ये आ गया जी आपका आंसर। और ये बन चुका है इस समय प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे जैसे आप लोग करते रहेंगे ना, तो आपकी स्पीड बनती रहेगी। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर सीधा करा आपने 10 4 जा 40 में 3 जोड़ा 43, अपॉन में क्या आ गया 10, तो सीधा आंसर 43/10। सेम यहाँ पे 7 5 जा 35 में 6 जोड़ा 41 में अपॉन 7, खत्म। तो आप लोग जब करते रहोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप माइंडली कर पाओगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों को उस चीज़ का टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो टेबल जो है आप लोग जब टेबल, ऐसे नहीं कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दें भैया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 जा 6, नहीं। सिंप्लीफिकेशन आपको ये चीज़ नहीं सिखाता। टेबल आप करेंगे याद फिर भूल जाएंगे, लेकिन हाँ जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है, वो रिपीट करते रहते हैं बार बार। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। टेबल याद करने के लिए नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को, मैं ये कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में प्रैक्टिस कीजिए, आपको टेबल खुद याद हो जाएंगे। जैसे जैसे आप करते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, टेबल आपके याद हो जाएंगे। लेकिन हाँ डिपेंड है प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का मल्टीप्लाई आपने कर दी, तो सिंपल ट्रैक्ट हो गया। अब जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देखिए डी मैंने आपको करा दिया, ई अगर आपको करना है तो देखिए 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 में जोड़ा 7, तो हो गया 47/8, खत्म। तो बिल्कुल आपको जस्ट प्रैक्टिस करने। सेम यहाँ पे देखिए 7 4 जा 28 में 1 जोड़ा 29 4 का 4 तो नीचे है, तो 29/4। तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब यहाँ बात करते देखिए, क्वेश्चन मैंने आप लोग के कर दिया यहाँ पे ई और एफ, तो मैं आपको ऊपर से बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ बचा है GH IJ KL, ठीक है। ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो पूछिए, ठीक है, पूछेंगे तो कुछ सीखेंगे, नहीं पूछेंगे तो भैया वो ज़िंदगी भर वो डाउट ही रहता रहेगा। ठीक है, फिर आप बोलेंगे हाँ जी मैथ्स नहीं आ रही, तो ये तो प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी। तो अब हम बात करते हैं कि अब जो हमें सीखना है वो टाइप 3 सीखना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा अलग से वीडियो। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे साथ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से लाइक और शेयर जो कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। As you fade away, as you fade away.